देखो नबीत, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो जानू। क्या? देखो जानू, मैं प्लान देता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पापा जी के पास चलते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं चाहता हूँ मैं बाकी की जिंदगी जो है ना वो पापा जी की खिदमत करते हुए गुजारूं। हरगिज नहीं। तुम अभी बाहर जाके उस आदमी को बताओ कि उसकी बेटी भाग गई। संग दिल औरत, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है अपने शौहर का। याद रखना, अगर मैं मर गया ना तो मेरी रूह इसी घर में भटकती रहेगी और मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा। क्या खबर जानू, तुम्हारे इस टैलेंटेड शौहर का आज इंटरव्यू है। क्या? तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा है? वो जानू, मैं जॉब के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तुम जॉब करोगे नबील? हाँ जानू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने सोच लिया है कि अपनी बीवी और बच्ची का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। किडनैपिंग की बात कर रही हूँ नबील। जानू, तुम यही चाहती थी ना मैं काम करूँ। देखो कितना बड़ा काम किया मैंने, पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। हाँ, और अगर पकड़े गए ना तो 10 साल के लिए अंदर भी जाओगे। तो लोग रोजी के लिए कितने हाथ पांव मारते हैं जानू, और कहीं जाके रोजी मिलती है यार, मुझे घर बैठे मिल रही है। और तुम चाहती हो मैं जाने दूं इसको? रोजी? तुमने रीमा के साथ साथ किसी रोजी को भी किडनैप किया नबील? ओ नहीं जानू, मैंने किसी रोजी को। मोमो, आप मुझे ये बताएं, तो इतना ना लगाए ना वरना वो चिमट जाएगी आपसे। वो क्या? वही जिसके पैर उल्टे होते हैं ना मुनव्वर, वो। पहली बात तो ये, मैं मुनव्वर नहीं, पर दूसरी बात मुझे लगता है आप चुड़ैल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चुड़ैल। ज्यादा बदबू ना लगाए। लगता है आज मैं पागल ही हो जाऊंगा। आपको बंगाली बाबा के पास लेके चलती हूँ, तो उल्लू के पंजों का सूप बना के उसने आपको पिलाना है, आपने ठीक हो जाना है। अच्छा कोई गाना ही सुना दो। लगदा दिल मेरा सुनना गाना मत गाया करें, जिसे सुनकर आपको खुद रोना आ जाए।